अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। तो आज 25 तारीख 10वां महीना 2021 है और इस टाइम हम खड़े हैं घग्गर वाले पुल के ऊपर। ये पड़ता है पटियाले जिले के अंदर और यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ से हम अम्बाला कुछ क्षेत्र तक जाएंगे और आगे भी कई जगह इलाके आएंगे जहाँ तक हमारे को सफर रहेगा, वहाँ तक हम अपना सफर तय करें। जितना टाइम रहेगा टाइमिंग के हिसाब से हम अपना सफर तय करेंगे और काम करेंगे। तो मेरा साथ देने के लिए साहिद खान और सादिक अंसारी जी, हम दो जने और हम तीनों लोग अभी एक जैसे हम ना क्या करते हैं, दो तीन लड़के बाहर प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं हमेशा स्पेयर के लिए और बाकी दो लड़के हमेशा गोताखोर अंदर जाते हैं। जब हमारे गोताखोर ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा भी अंदर जाते हैं, 4, 6, 8, 10। तो हम तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन देखते हैं। सिर्फ आज हम चार जने हैं तो चार जनों के हिसाब से हम दो को बाहर छोड़ के जा रहे हैं, सादिक और मैं, हम दोनों अंदर पानी के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, बाकी बातें जो है वीडियो के अंत में करें, देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। बीच में खड़ा कर, चलता रस्ते साहब, बस बीच में खड़ा कर। पूरे भारत के अंदर पहली बार देखा होगा इस तरह के खेल, गोताखोर हमारे कैसे जंप करते हैं देख लो पानी के अंदर। अब यहाँ से हमारा गोताखोर देखो पानी के अंदर जंप करके गया है और सिलेंडर वाले डरते हैं, ये अंडरग्राउंड साइफन है। देखो कितना लंबा, दिखा दे बेटे उधर से कितना लंबा है, देखो नीचे से भाखड़ा नहर अंडरग्राउंड है, घग्गर नदी के नीचे से आ रही है और यहाँ से घग्गर नदी के नीचे से इस तरफ निकलती है। देखो हमारे गोताखोर ने यहाँ से जंप करके गया है, लोग डरते हैं, सेफ्टियाँ बेल्ट, कई गोताखोर ऐसे जो सेफ्टी बेल्ट ये वो बहुत साजो सामान लेके जाते हैं, पर हमारे गोताखोर नहीं डर हो के कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जिससे कि हमारे को ये लगे कि हमारी जान बच सकती है। हम सिर्फ सामने वाले का देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या, हम काम क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं, बाद में बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। सांप है यहाँ पे, oh
अंदर बहुत बढ़िया नज़ारा रहा अंदर का। आए मछलियाँ घूम रही है बड़ी बड़ी अंदर। अंदर बहुत बढ़िया नज़ारा रहा, मछलियाँ घूम रही है अंदर बड़ी बड़ी। आए एक गोताखोर अभी अंदर ही, सादिक अंसारी तो अंदर ही घूम रहा है अभी। ये देखो ये चिमटे चुमटे लोग घेर जाते हैं। आ जाता है उसको कवर कर गए वो हाँ कपड़े पहनने गए। चलो ठीक है ओके आ जाओ। बस तो दोस्तों ये था वो वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज का वीडियो इतना खास तो है नहीं कि अभी इस वीडियो के अंदर कुछ है ऐसा कुछ जो मैं आपको दिखाऊं, पर हमारा फर्ज बनता है कि नहर की हर वो जानकारी आप तक पहुंचाए जो हमें मिलती है नहरों के अंदर से। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है कि ये जो जानकारियाँ हैं ये आप तक पहुँचे कि नहरों के अंदर क्या है, कौन से पुल के ऊपर कितने पत्थर हैं, कितने अंदर कबाड़ है और कितनी अंदर सुरंगें बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ से नहर टूटी हुई है, कौन कौन से जानवर नहरों के अंदर होते हैं। ये हमारा फर्ज है कि जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। मैं आज फिर बोल रहा हूं कि इतना कुछ खास वीडियो नहीं है आज का, पर हमारा फर्ज है इस चीज़ को आपको दिखाना कि चीज़ें हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इन चीज़ों को देखो और निर्णय करो कि जो हम ये चीज़ें नहरों के अंदर डालते हैं, जो कोई पत्थर डाल जाता है, कोई स्लेब डाल गया घर के, कोई मंदिर की दीवारें डाल गया, कोई पीर की दीवारें डाल गया, कोई चादरें डाल गया, कोई कुछ डाल गया, तो ये चीज़ें अंदर नुकसानदायक है। आने वाला समय ऐसा होगा कि पानी बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, नहरें ख़त्म हो जाएंगी। ये इस नहर के ऊपर खड़ा होकर मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। ये SYL नहर, साथ ही भाकड़ा मेन लाइन जिसको नरवाना ब्रांच कहते हैं, दिल्ली पैरेलल नहर जो पानी दिल्ली के लिए जाता है। मैं सोनलाल जी जिस टाइम मेरा वीडियो बना रहे हैं, एक बार मैं सोनलाल जी कहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमाओ। इस नहर की दुर्दिशा देखो, अब नहर की दुर्दिशा क्या हो रही है, पानी नहीं है नहर के अंदर बिल्कुल भी। ये देखो इस नहर के अंदर कोई पानी नहीं रह रहा बिल्कुल भी, और नहर बिल्कुल देखो परली नहर के अंदर देखो थोड़ा थोड़ा जो परली नहर उसके अंदर पानी चल रहा है, पर इस नहर की दुर्दिशा देखो पानी बिल्कुल ऐन ख़त्म होया पड़ा है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ बार बार कि भाई नहरों के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप डालते हो, आने वाला जो समय होगा ये नहरों का बहुत खतरनाक होगा, ये पानी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये देखो किस तरह तली दिख रही है नहर के नीचे, इस नहर के अंदर कोई पानी नहीं बचा, बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील करता रहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना
तो आप इस चीज़ को समझो, जो हम चीज़ें नहर के अंदर डाल रहे हैं, कपड़े, चादरें, जूते, चप्पल, पता नहीं क्या क्या, जो कोई नहर के किनारे कोई जानवर मर गया उसको भी नहर में डाल देते हैं, कोई रोड के किनारे जानवर मर गया उसको भी नहर में हम डाल देते हैं। तो समझो ये पानी पीने के लिए जा रहा है, और जिन लोगों तक ये पानी जा रहा है उनके लिए इस पानी की अहमियत है। भले ही हम मानते हैं कि हम नहरों के किनारे रहते हैं, हमारे लिए इस पानी की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, पर इस बात को समझो जिनके पास ये पानी पहुंच रहा है उनको इसकी बहुत सख्त जरूरत है, वो इसी के ऊपर निर्भर है, उनकी खेती, उनका खाना पीना, जो भी इस पानी के बलबूते हैं। तो मैं बार बार अपील करता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी नहरें ऐसी हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका कोई अस्तित्व या कुछ बचा ही नहीं है, धूल उड़ रही है उन नहरों के अंदर, मिट्टी उड़ रही है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर जाने अनजाने में अगर मैंने कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, कोई मैंने गलती कर दी हो या कोई गलत बात बोल दी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पर आप एक बार मेरी बात को सोचना ज़रूर, समझना, गहराई के अंदर जाना कि इस शख्स जो है आपको क्या समझाना चाहता है, उस बात को एक बार समझना ज़रूर। ये बातें आपके लिए समझने की हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है पानी। अगर ये हमारे पास से ख़त्म हो गया तो पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 2030, 35, 40, 50 तक मेरे को लगता है पानी बोतलों के अंदर, जो अब तुम बस स्टैंड पे बोतल ले रहे हो ना, फिर नहाने खाने पीने के लिए बोतलों में ही पानी मिलेगा, पानी लुप्त हो जाएगा। पता नहीं हमें कहाँ कहाँ से, अब तो हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं बाहर देशों को, फिर हमें वहाँ से पानी लेना पड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। तो थोड़ा धर्म धर्म के नाम पे इस तरह की के उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें नहरों के अंदर ना लें। चलो, जाने जाने में कोई मैंने अगर गलत बात कह दी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद।